सभी क्षेत्र व देशवासियों को अध्यक्ष अशोक सक्सेना, महासचिव अभय सिंह, बार जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील कुमार सक्सेना, पूर्व बार अध्यक्ष न्यूरल हसन चौधरी, दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय पर्व 77वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपील: 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों पर तिरंगा फहराएं। स्वतंत्रता दिवस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का प्रतीक है, सभी देशवासी मिलजुल कर मनाएं। आगामी त्योहार रक्षाबंधन को प्रेम व सद्भाव से मनाएं। कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, सरकार की गाइडलाइन का प्रयोग करें। समाज से अपराध मिटाने में पुलिस मित्र बन सहयोग करें। आपका नाम सर? अशोक कुमार सक्सेना। कल साहब 77वें स्वतंत्रता दिवस पर दीवार एसोसिएशन की तरफ से आपका शुभकामना देना चाहेंगे। समस्त देशवासियों, नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूँ कि मेरा नगर स्वच्छ और सुंदर बना रहेगा, जैसे कि हम लोगों को अपेक्षा है, और सब स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाएंगे। बड़ी मुश्किल से ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, मैं उस स्वतंत्रता को उसी रूप में देखता हुआ मैं नगरवासियों से अपील करता हूँ कि स्वतंत्रता पूर्वक इसको धूमधाम से मनाएं, मेरे स्वतंत्रता दिवस को। तथा ये भी अपेक्षा करता हूँ कि मेरा नगर स्वच्छ सुंदर अच्छा बना रहेगा। सब नगरवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नाम सर? मेरा नाम अभय कुमार सिंह है और मैं दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद का महासचिव हूँ। कल 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आप महानगर वासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं अपने समस्त देशवासियों को, नगरवासियों को, न्यायिक अधिकारियों को, न्यायिक कर्मचारियों को, अपने समस्त अधिवक्ता साथियों को इस 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही ये निवेदन भी सबको करना चाहता हूँ कि उस मान मर्यादा को जो हमारे देश की संस्कृति रही है, उसके हिसाब से हम इस स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बहुत सारी अपेक्षाएं हमसे लोगों को हैं, जो विश्व है वो हमारी ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। तो ये समस्त देशवासियों का ये कर्तव्य है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर ये प्रण लेते हुए कि जो आने वाला स्वतंत्रता दिवस हो, तब तक हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा कार्य जरूर करें, ताकि हम हमारे जीवन में ये स्मृति बनी रहे कि हमने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कोई अच्छा एक काम किया था। इसी निवेदन के साथ पुनः सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नाम सर? मेरा नाम सुनील कुमार सक्सेना, एडवोकेट है। मैं बार एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं अपने देशवासियों से, अपने न्यायपालिका अधिकारियों से, मैं समस्त वरिष्ठ एवं जूनियर साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस पर्व को हम बहुत ही खुशी से और शांति से और उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। किसी भी प्रकार का कोई भी द्वंद, कोई भी गलती, कोई भी किसी प्रकार का कोई, जिससे हमें किसी से, हमसे किसी को ठेस पहुँचे, इस तरह का कोई कार्य ना करें। और हमें इस, जो आज तक हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारी नेताओं ने इस देश को आज़ाद करने में जो अपने समय बलिदान दिया है, उसको हम स्मृति के रूप में याद रखें और कोई ना कोई ऐसा कार्य करें जो इस देश को, हमारा देश विश्व में सर्वप्रथम स्तर पर पहुँचे। इसी कामना के साथ मैं इस 15 अगस्त के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, सभी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई देता हूँ, दिल से बधाई देता हूँ। आपका नाम सर? अमीरुल हसन जाफरी, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन। कल 77वां स्वतंत्रता दिवस है, उसके उपलक्ष्य में दीवार एसोसिएशन की तरफ से आप महानगर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उससे पूर्व बार एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष और महासचिव साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने आपको भी बताया, सब मिल के इस पर्व को पर्व के रूप में मनाएंगे। और आशा ही नहीं, विश्वास है कि देश में, हमारे वर्ल्ड में, हमारे देश का नाम
रोशन होगा। मैं सभी साथी अधिवक्तागण, समान न्यायिक अधिकारीगण और कर्मचारीगण से पंद्रह अगस्त विश्वास करता हूँ सब मिलजुल के इस पर्व को मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।